परती पर रुकल बंदूक यहाँ, आवाज ऊंची करके सुना दे। क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में। इसको अब लोग बिहार टूरिज्म के आइए ना गाने के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। हमरा पता नहीं आप में से कितने लोगों ने खाकी ये सीरीज देखी होगी। मुझे जिस दिन पता चला कि एक किताब है बहुत फेमस बिहार डायरीज, एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखी है अमित लोढ़ा, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी। उसी राज्य से आती हूँ बिहार को लेकर जो चीज़ें थी कुछ नाम वाम बदल कर, लेकिन इसमें एक ऐसी सीरीज़ है जो फिल्मों को फेल कर देती है इस मामले में कि आपको लगेगा कि अरे असली कहानी है, ऐसा टर्न ऐसा ट्विस्ट नहीं हो सकता है, उससे ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है। तो करण, जिन्होंने अमित लोढ़ा का जो किरदार है उसे निभाया है, चंदन महतो, आप तो अपना डायलॉग बोलिए, उससे माहौल जमेगा। कहाँ गया माइक, है ना? हाँ, कौन सा शुरू करूं? अरे जो आपकी पहचान पहली आपकी एंट्री जेल में लड़ाई हो रही है। आईपीसी थोड़ा हम भी जानते हैं सर, बहुत ही भेटनर क्रिमिनल के वाइफ हैं, समझे? अच्छा आप लोग कहाँ कहाँ से हैं पहले मुझे ये बताइए। कर जी, मैं बंबई से ही हूँ, मतलब मेरी पैदाइश दिल्ली की है। हाँ, बट पला बड़ा बंबई में। मतलब बिहार ने छुआ नहीं था आपको किसी? नहीं, अब छू लिया है। हाँ, मतलब मेरे शो में जो हमने शूटिंग किया उसके जाने से पहले तो पूरा बंबई का ही हूँ मैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बिहार का होने के लिए क्या करूं, और इनके कांस्टेबल इनको बताते हैं कि आप मैं की जगह हम बोलिए सबसे पहले। जी, तो हम आज सबसे पहले तो बड़ा खुश हूँ मैं यहाँ पर आकर। मैंने हमेशा ये मंच देखा है कि बहुत ही दिग्गज और इज्जतदार लोगों के लिए होता है, तो आज मुझे अपने लिए बड़ी इज्जत आ रही है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। सो थैंक यू वेरी मच अजेंडा आज तक, इट्स क्वाइट एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस स्टेज अमंगस्ट ऑल ऑफ यू। एंड या, आई मीन इट वाज अ लॉट ऑफ फन बिहार में शूट करने के लिए, और मैं जैसा कि आपको कह रहा था शूट भी बिहार में किया। हाँ जी, हमने मतलब झारखंड में शूट किया है। हाँ, पर बड़ा ही मजा आया था शूट करके। बोलघर के भी कुछ सीक्वेंसेस थे मुझे लगता है, पटना जी, थोड़ा पटना में भी हमने शूट किया। तो आधा बिहारी मैं, मेरे को लगता है वाकई बन गया हूँ मैं, तो थोड़ा बिहार मुझ में आ गया है। बाकी ये जो मेरे दोस्त यार हैं, ये बाकी अपना थोड़ा रब ऑफ कर देते हैं मुझ पर, क्योंकि आप खुद बोल लीजिए सर, आप कहाँ से हैं? मेरी पैदाइश बिहार से। अच्छा, कहाँ पर? मैं मोतिहारी की पैदाइश है मेरी। अच्छा, और मेरा गांव जो है वो गोपालगंज के पास हथुआ, फिर तो जी, तो मैं वहीं से हूँ, लेकिन 7 साल 8 साल की उम्र से मैं बम्बई में हूँ, और सो मैं हमेशा अपने आप को बंबई या बिहारी कहता हूँ। नहीं, पर हेल्प तो करते होंगे आप अपने कोस्टार्स की? ऑफ कोर्स, मतलब हम एक दूसरे के हमेशा मदद के लिए, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी फिल्म या शो एक आदमी की कहानी नहीं होती, ये पूरी टीम की बात होती है। सो इट्स बीन अ फीलिंग लाइक दैट। करेक्ट, लेकिन मुझे एक चीज लगता है, क्या हुआ कि एक पूरा दौर आया था फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल्स में जहाँ पर बिहारी एक्सेंट कहकर उसे ज़्यादा एक मजाक में इस्तेमाल किया जाता था, पर इसमें मुझे रियलिटी दिखी है। ऐसा नहीं है, एक जो एक बिहार का व्यक्ति चाहे कहीं भी रह रहा हो, वो जिस तरह की हिंदी बोलेगा, उस तरह की चीज़, उसमें कोई मजाक का भाव नहीं था, और इसीलिए आप लोगों का कैरेक्टर रियल भी लगा है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है नीरज पांडे सर के साथ काम करके, मुझे लगता है उनका एक ऑथेंटिक स्टाइल है व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग ऑल्सो, वो एक ऑथेंटिसिटी को बहुत वेटेज देते हैं। और इस पूरे दौरान सीरीज़ में मुझे लगा है कि लोगों ने हमारी ऑथेंटिसिटी को बहुत अप्रिशिएट किया, बिकॉज दे गॉट टू सी समथिंग रियल एंड नॉट समथिंग विच हैज़ बिन सीन एज अ प्री कंसीव नोशन अबाउट बिहार, और बीट अ स्टोरी, बीट अ लैंग्वेज, बीट एनी थिंग। सो आई थिंक दैट ऑथेंटिसिटी हैज़ डन वेरी वेल फॉर अस। स्पेशली इसलिए क्योंकि नीरज सर खुद बिहार से हैं। हाँ, वो खुद ये बहुत फर्क हो जाता है इससे। मुझे लग रहा था कि वो भी आज होंगे तो। और हमारे जो राइटर हैं, हाँ, वो भी बिहार से हैं, उमा शंकर जी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा हमारी स्क्रिप्ट पर। नहीं, पर कर आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं थी, आपको एक राजस्थानी प्ले करना था जो बिहार में काम कर रहा है, जो लोग बिल्कुल ऑथेंटिक जिन्हें होना था वहां का नेटिव, उनके लिए थोड़ा सा उस चीज को एक्सेप्ट करना और अपने किरदार में ढालना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, दरभंगा से, दरभंगा में मेरा जन्म हुआ है, और टैलेंट देख रहे हैं। और मैंने पढ़ाई, नाम ऐश्वर्या सुष्मिता क्यों रखा गया? अरे,
जी बिल्कुल, मम्मी को ऐश्वर्या, पापा को सुष्मिता. तो मेरा जन्म 94 में हुआ था. आई वाज बोर्न 94 और वंडरफुल जिस साल दोनों ब्यूटी क्वींस हुई दोनों. जी और उन या दे वर क्राउन्ड इन 94. तो आई थिंक मेरे मॉम डैड बहुत इंस्पायर हो गए थे कि चलो बेटी का नाम दे देते हैं. डिसाइड नहीं कर पाया दोनों, डिसाइड नहीं कर पाए. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन बिहाइंड माय नेम. करण, स्टोरी इंस्पायर कर रही थी आपको जब आप लोग ये सीरीज करने के लिए ऑफर हुआ, आपने आप सिलेक्ट हुए, आपको उम्मीद थी कि ये स्टोरी इस तरीके से बदलेगी, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी? आप बिहार के उन चीज़ों को आपने फॉलो किया था? क्योंकि देखिए वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते हैं चंदन महतो नहीं भाई पिंटू महतो हैं, वो एक्चुअल किरदारों को समझ रहे होंगे. पर आपके लिए ये स्टोरी के ट्विस्ट एंड टर्न को एक्सेप्ट कर पाना संभव हो पा रहा था कि अच्छा फिर ऐसा हो गया? क्योंकि इसमें बहुत सरप्राइजेज हैं आपकी इस सीरीज में. नहीं, एक्सेप्ट करना तो डेफिनेटली संभव है. इनफैक्ट वो बहुत बड़ा रीज़न है इस शो को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही खूबसूरती से लिखी है. जब मैंने किताब पढ़ी थी पहली बार, जिस किताब का नाम है बिहार डायरीज, मुझे तब ही बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, बिकॉज जिनकी कहानी हम बता रहे हैं उन्होंने जिस किस्म की ज़िंदगी जी है एज एन IPS ऑफिसर, वो बहुत ही दिक्कत वाली रही है. एंड जो उनके लाइफ के रियल ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं उसी के ऊपर निर्धारित स्क्रिप्ट है हमारी. तो मैं बड़ा खुश था जब ये विजन जिस तरीके से किताब से स्क्रीन प्ले पर आया. एंड ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एक्साइटेड टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज एक तो किसी असली इंसान की कहानी जब आप एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं और आपको जब पता है ये सारे इंसिडेंट्स फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है, देन यू गेट इवन मोर मोटिवेटेड टू काइंड ऑफ प्ले इट एंड टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बिकॉज यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द मैन एंड एवरीबॉडी अटैच्ड टू हिम विद दैट लाइफ. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किरदार में ढल रहे हैं, एक मतलब बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति जानते होंगे कि एक यंग अमित लोढ़ा जैसे दिखते थे वैसे ही करण बिल्कुल हूबहू उसमें दिख रहे हैं. मुझे वही रेबैन ग्लासेस याद आते हैं, उसी तरीके से उनका डिमीनर, वो सारी चीज़ें. बाद में BSF भी वो डेप्यूटेशन पर गए, वहाँ भारत के वीर नाम की एक चीज़ शुरू की. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसके लिए डोनेट भी किया हो, जो हमारे CAPFs हैं उसमें जो जो इंजर होते हैं हमारे सोल्जर्स, या फिर अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके लिए बहुत पुश उन्होंने किया था. बाद में अक्षय कुमार उसके साथ जुड़े थे. पर एक डार्क कैरेक्टर प्ले करना, ख़ासकर एक सक्सेसफुल सीरीज या फिल्म में, जिंदगी भर एक मतलब, या मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी भर नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा रिस्क होता है क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपको. मैंने भी जब आप तीनों को एंटर करते हुए देखा अभी कमरे में, तो इनको देखकर बड़ा मैं आश्वस्त हुई. फिर लगा अच्छा चंदन महतो, वो चंदन महतो आपकी आपकी पहचान से जुड़ेगा. एक एक्टर को ये डर लगता है? मेरा ऐसा मानना है कि मैं 15-20 साल और काम करूंगा, उससे ज्यादा करें. फिलहाल इतना आप अच्छे एक्टर हैं, इतना सही होगा अगर मैं इतना कर पाऊँ. मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे किरदार मेरे करियर के साथ जुड़ेंगे. एक एप्रिहेंशन हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा, कि जब मुझे पहली बार इस किरदार के बारे में सुनने मिला तो मैं थोड़ा घबराया. मैं नहीं जानता था कि इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पार्ट. और साथ साथ ये भी डर था कि क्या मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि इस किरदार को सही तरीके से कर पाऊँ. इसलिए मैं इसका श्रेय एक्चुअली नीरज सर और भव दूलिया को देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक्चुअली बहुत ही भरोसा दिखाया मुझ पर, मेरी काबिलियत को मुझसे बेहतर समझा और मुझे प्रेरित किया इस किरदार को करने के लिए. मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इससे पहले एक फिल्म की थी लैला मजनू, और मजनू का किरदार मेरे साथ जुड़ा हुआ था. 3-4 साल हो गए और मैं जहाँ जाता था सिर्फ मजनू मजनू मजनू, और ये पिछले 2 हफ्ते से मजनू से चंदनवा का जो सफ़र है वो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ा अचीवमेंट है पर्सनली. सो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो तो बहुत सारे और किरदार मेरे साथ ऐसे जुड़े. मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी ये है, शायद एक इनडायरेक्टली मैं कॉम्प्लीमेंट ही आपको देना चाह रही हूँ, कि अगर आप लोगों ने ऐसी एक्टिंग की है कि आपका रियल लाइफ प्रेजेंस मुझे आपकी उस रोल को याद दिला रहा है, तो आई थिंक इट्स क्रेडिटेबल. थैंक यू. एक पूरे यंग एक्टर्स की ऐसी तिकड़ी यहाँ पर बैठी है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से वो विश्वास दिलाया है सबको. मम्मी पापा मेरे घर वाले सारे आप लोग देखिए, श्वेता जी ने मेरे बारे में कहा है, मेरे घर में मेरा मान बढ़ गया. अरे हम तो देखना शुरू किए ना तो रुक ही नहीं पाए, क्या बताएं. हम पूरा शाम में शुरू किया, आई थिंक सुबह में खत्म हो गई सीरीज. लगा कि अरे थोड़ा सा और होता.
जिन्होंने भी यहाँ नहीं देखा है वो भी नहीं, वाकई देखना चाहिए। एक तो रियल लाइफ है, नंबर वन ये रियल लाइफ है। एक पता है पुलिस ना सबसे बड़ी पंचिंग बैग होती है, जब भी कोई गलती होती है बहुत आसानी से पुलिस पर डाल दिया जाता है, क्रेडिट भले ही कोई और ले जाए। हालांकि इसमें दो बार बिहार पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पंचिंग बैग होती है। तो किसी ने अगर अच्छा काम किया है, किसी किडनैप बच्चे को छुड़ाया है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि देखनी चाहिए। वो भी हमारे बेल्ट फोर्सेज, हमारे यूनिफॉर्म्ड फोर्स हैं, और जो अच्छी चीज़ है उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। जो चीज़ मैंने उनसे पूछा वो आपके ऊपर भी लागू होता है, एक कनाइविंग, एक विकेट वुमन, मैं वो चीज़ खोलना नहीं चाहती हूँ, वो सस्पेंस जो है कि आगे क्या होता है, पर आपके कैरेक्टर में तो और ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। जी बिल्कुल थे, और मुझे लगता है इससे पहले भी जो मैंने कैरेक्टर किया था, जो प्ले किया था, वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट था। और जैसा कि आपने कहा कि ये रह जाता है, और इस बात का डर नहीं था मुझे कभी कि लोग मुझे इस तरह से देखेंगे, बिकॉज ये एक द रियल लाइफ एंड द रियल लाइफ इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। और ये एज एन एक्टर हमें ऑनेस्टली अपने आप को पोर्ट्रे करना होता है, तो और मैंने कोशिश की कि अपने आप को पूरी तरह विद ऑल ऑनेस्टी मैं अपना फर्ज निभाऊं, और वही मैंने किया। आई होप एंड दैट्स हाउ आई थिंक पीपल हैव लव्ड दिस कैरेक्टर एज मीता देवी। प्लीज़ देखिए और बताइए। नहीं, कोई रिग्रेट नहीं करेगा मुझे लगता है, क्योंकि सोचिए जब समय भी कम है उसमें भी अगर कोई देख ले तो उसके बावजूद मतलब आप उसको रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन एक OTT मतलब एक जेन्युइन मेरी क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को लेकर कि हम बड़े हुए फिल्में देखते हुए या फिर TV सीरियल्स देखे जो शायद रोज़ शूट होते हैं और रोज़ उनका सीरियल आ जाता है, मतलब एक दिन बाद, ये OTT कैसे फंक्शन करता है? अगर आपने ये एक सीरीज़ की है इतने एपिसोड्स की, कितना समय लगा उसके शूट में, क्या डिफरेंट होता है TV से या फिल्म से? ये दोनों बहुत ही एक्चुअली पोल्स अपार्ट दुनिया है। टेलीविज़न में हम दिन में 18 घंटे शूट करते हैं, 20 मिनट की फुटेज निकालते हैं, और जी और OTT में हम 18 घंटे शूट करके 3 मिनट की फुटेज निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। हैविंग सेड दैट, प्लेटफॉर्म ही अलग है। यहाँ पर एक बाउंड स्क्रिप्ट है, आपको एक कहानी की शुरू, एक मध्यम और एक अंत पता है। टेलीविज़न थोड़ा ओपन एंडेड होता है, तो यू कैन नेवर एज एन एक्टर रियली गो आउट देयर एंड ग्राफ योर कैरेक्टर। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेज। ऑफकोर्स टेलीविज़न का अपना चार्म है कि आप आज एक चीज़ करते हैं, वो कल रात को आप हर एक इंसान के बेडरूम के अंदर हैं, वो हर मतलब एवरीवन इज़ कंज्यूमिंग ऑन अ वेरी लार्ज ऑडियंस। OTT टेक्स इट्स ओन टाइम कि आप पूरी चीज़ बनाते हैं, पैकेज करते हैं, फिर उसको आप डालते हैं, फिर आप जैसे बड़े अच्छे दर्शक होते जो बोलते हैं यार कि थोड़ा सा और होना चाहिए था। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। एंड लाइक यू सेड अर्लियर, यू नो आई फील लाइक एक्टर्स वॉन्ट टू रेजोनेट विद देयर कैरेक्टर्स फॉर लाइफ लॉन्ग। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर अविनाश जिंदगी भर चंदन महतो के नाम से जाना जाए, या यू नो ऐश्वर्या जानी जाए मीता देवी, या मैं जाना जाऊँ अमित लोधा के नाम से, बिकॉज आप यही कोशिश करते कि किसी तरीके से उस कैरेक्टर में थोड़ी सी छाप छोड़ जाएं कि वो आपसे रेजोनेट करने लग जाए, आप हो सकता है असली इंसान को भूल जाएं। तो आई फील दैट्स क्वाइट अ नाइस थिंग। सो इवन TV हैज दैट सेम चार्म। व्हेन आई डिड टेलीविजन, एवरीबडी कॉल्ड मी वेरियन फॉर द लॉन्गेस्ट अंटिल यू डू अनदर कैरेक्टर, एंड इफ यू कैन लाइक आई डिड स्पेशल ऑप्स, पीपल कॉल्ड मी फारूक। सो the parallel is very similar, but the format of viewing is very different, and the quality is what takes a real hit in television, which it doesn't in OTT. to kya isme main isme agar ek cheez aur add kar sakun, jo mujhe lagta hai OTT platforms ne hamare desh mein ek opportunity layi hai, mujhe aisa lagta hai hum log, aur khas kar kyunki aaj main yahan baitha hu to thodi intellectual baat karni chahiye mujhe। मुझे ऐसा लगता है कि हम हर समय बात करते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट हम लोग दुनिया पर क्या क्रिएट कर पाएँ, और हमारे देश में किस तरह के कल्चरल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, राइट फ्रॉम बी कंज्यूमिंग वेस्टर्न एंटरटेनमेंट टू हैविंग कोरियन एंटरटेनमेंट बीइंग ऑलमोस्ट अ फॉर्डर फॉर यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ। मेरा ऐसा मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि अब हम 190-200 देशों तक पहुँच सकते हैं, जो आज तक हमारे इंडियन सिनेमा में ये बड़ा मार्केट कभी ओपन नहीं हो पाया था। वी आर इन अ पोजिशन नाउ टू क्रिएट न्यूअर मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड क्रिएट अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो मुझे लगता है कि अगले 3-5 साल में OTT प्लेटफॉर्म्स हैव गिवन दिस स्ट्रेंथ एंड पावर टू अस दैट वी कैन क्रिएट अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट आई फोरसी हैपनिंग वेरी वेरी सून। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत ये भी होती है ना कि अगर जैसे OTT में बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आप बनाते, या इनफैक्ट सीरियल्स भी, कि किसकी किससे शादी हो गई आपको याद ही नहीं रहता है,
तो मुझे लगता है कि ये जो इमेज, और बच्चों को आप रोक भी नहीं सकते हैं देखने से, वो मतलब बहुत चीज़ें जो एक्सेप्टेड होती जा रही थी सोसाइटी में, ये कुछ सीरीज है जहाँ पर आप एक अचीवमेंट को, एक सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सीरीज के जरिए, आप एक अचीवमेंट को एंड डिस्पाइट द सिस्टम, यानी व्यवस्था के विरुद्ध कोई अगर किसी चीज को संभव करा पा रहा है तो इसकी बड़ी मैसेजिंग भी है. मतलब ये कोई एक प्रॉबेबली, हालांकि मैं किसी सीरीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, या जैसे मान लीजिए गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म रही, उसमें वहां की चीजें जरूर दिखाई गई और बहुत सटीक चित्रण भी रहा, लेकिन जो इसकी पॉजिटिविटी है ये बहुत सटल है आपकी इस सीरीज. Yes, true, Shweta. And even like what Karan just said, I would like to add on to that, that, you know, it's very interconnected when we say ki jo mass hai, it's very niche to just sit at home and watch OTT platform, right? And all as an audiences, all of us, we want to relate ourselves. When we go to a theater or sit on a platform like OTTs, we want to see ourselves more than to see anybody else there. And as long as there is a relatable factor going on, jitna zyada hum relate kar pate hain apne aap ko audiences se, utna hi zyada wo success hone mein us wo help karta hai. Par ye characters ke liye prepare karna waise hi hota hai jaise baki mein, kyunki aap ek real life character ko play kar rahe the, aapko pata hona zaruri tha unke bare mein. Not necessarily, I mean, because as far as this project is concerned specifically, नीरज सर, मेरी और जो हमारे डायरेक्टर हैं भवदूलिया, हमारी हमेशा इंटेंशन यही थी कि हम हमारे खुद का कैरेक्टर स्केच बनाएंगे एज फार एज अमित लोधा इज कंसर्न, क्योंकि ये बायोपिक नहीं है. हम इसको बायोपिक की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं. ये एक किताब के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है बिहार डायरीज. तो लकली नीरज सर एंड माय डायरेक्टर बोथ गेव मी द फ्री हैंड के तू अपने हिसाब से. आपने अपने हिसाब से चेंजेस भी किए कैरेक्टर में? नहीं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नीरज सर की राइटिंग में चेंजेस करूँ, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो इतने बेहतरीन राइटर हैं. हालांकि लिखा उमा जी ने, बट काफ़ी हद तक उनका विजन सर का रहा है. तो नहीं, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बड़ी क्रिस्प स्क्रिप्ट है हमारी, और मेरे लिए मेरे कैरेक्टर को लेके जितने भी जवाब थे वो मेरे स्क्रिप्ट में ही हैं. तो जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया है अपने स्क्रिप्ट को बाइबल बनाकर ही किया है. एंड फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जब वो प्ले में आती हैं, जब आप जिस जगह जा रहे हैं शूट करने के लिए, वो बहुत ऐड करता है कैरेक्टर को बनाने के लिए. क्योंकि अमित की जो खुद की कहानी थी वो शेखपुरा से शुरू होती है रियल लाइफ में, जहां हम झारखंड में शूट कर रहे थे. इन टर्म्स ऑफ द मिलियू ऑफ द प्लेस वो बहुत ही सिमिलर रही है. तो मेरे लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंगली कथाटिक जर्नी थी, और ये मेरा प्लान भी था कि जब अमित भी गए थे अपनी जर्नी की शुरुआत में तो उनको बड़ी दिक्कतें हुई थी उस शहर में, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, बड़ा शहर है, बड़े शहर से एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाना. तो क्योंकि मैं भी मुंबई से हूँ और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम शूट कर रहे हैं तो बॉम्बे मुंबई से थोड़ा छोटा है, थोड़ा मतलब आई एम बीइंग ये प्लेटफॉर्म ऐसा है मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, बट मतलब डेफिनेटली बहुत अलग दुनिया है वहाँ पर. तो वो एक कथाटिक जर्नी थी मेरे लिए एज एन एक्टर. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की, प्लस जब आपके पास आपके बाकी किरदार आते हैं वो बड़ा ऐड करते हैं. तो प्रेपरेशन एक कैरेक्टर के लिए ऐसे बनती है. मैं अमित को डेफिनेटली मिला था पर शूट पर चार दिन जाने से पहले, और मेरी इंटेंशन यही थी क्योंकि ये जितने इंसिडेंट, हम तो एक्टर हैं, हम एक्टर, हमको पता है कि एक्शन होने वाला है, कहाँ से कौन गोली मारेगा, कौन यू नो घूसे मारेगा, तो आप बचा लेते हो. बट जिस इंसान पर एक्चुअल में बीतती है, यू नो रात को अपने परिवार को छोड़कर जाना, भागना एक क्रिमिनल के पीछे जंगलों में, छोटे गाँव में, जो उन्होंने किया है वो वाकई मेरे हिसाब से बहुत ही काबिले तारीफ है. एंड टू अंडरस्टैंड कि उनका माइंड क्या था कि अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर जाना, कि आपकी फैमिली पर साइमल्टेनियसली अटैक हो सकता है व्हाइल यू आर ट्राइंग टू फाइंड दिस ड्रेडेड क्रिमिनल. सो दैट वाज माय इंटेंशन, जस्ट टू गेट हिज माइंड मोर देन यू नो नेसेसरली हिज बॉडी लैंग्वेज और द वे दैट ही टॉक्स और द वे दैट ही सिट्स. अविनाश, वो एक पागलपन दिखा है, एक जो एक नॉर्मल एक गरीब आदमी है जो किस तरीके से वो लड़ाई लड़ना चाहता है, और आखिर में वो कुछ हद तक अपने आप को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता है, भले ही वो एक 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 पागलपन में एक मोनोलॉग जैसा है उसका. तो उसका भी मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कैरेक्टराइजेशन भी बड़ा मतलब खांचों में बैठा कर उसे अच्छे से किया गया है. सो इंटेंशन ये था कि ये दोनों किरदारों की, अमित लोधा और चंदन महतो, कि जेनेसिस को हम एक्सप्लोर करें, हाउ दे बिकम व्हाट दे बिकेम, व्हिच इज व्हाट वी ट्राइड टू डू इन द शो. एक एक आदमी
और अक्सर हम ये देखते भी नॉट टू जस्टिफाई एनी क्रिमिनल्स बट कहीं ना कहीं सोशल इम्प्लिकेशंस होते हैं फॉर समवन टू टेक अप द गन इन देयर हैंड्स एंड वन वी कैन नॉट टेक अवे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवरसेल्फ्स एज अ सोसाइटी हैविंग सेड दैट वी ब्रिंग दैट वी शो दैट कि कैसे ये किरदार ऐसे बनते हैं एंड बाय द एंड टू जस्टिफाई इट ही एक्सप्लेन्स ऑफ व्हाट हैज लेड हिम टू द पॉइंट दैट ही रीच्ड अगर कुछ लोग एम्पथाइज कर पाए उस चीज से दैट वुड बी अ विक्ट्री बट एट द सेम टाइम आई कीप सेइंग दिस दैट द चॉइसेस दैट वन मेक्स कैन नॉट जस्टिफाई द एक्सप्लॉइटेशन दैट हैज हैपेंड विद यू एंड पर सिर्फ एक नजरिया रखने की कोशिश दिखी थी वहां पे जस्टिफिकेशन की कोशिश जस्टिफिकेशन की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है आई एम सर्टेन अबाउट इट बट हां कि क्या हो सकता है और क्या बनाता है एक इंसान को और समाज उसमें कितना समाज का क्या योगदान हो सकता है एक एक प्राइम मिनिस्टर बनाने में और एक गैंगस्टर बनाने में वो रूप भी एक देखने का मौका मिलता है हमें तो ये कितने दिनों में ये रैप अप हो जाता है जैसे इतने एपिसोड्स का कितना समय लगा था आप लोगों को कितने दिन आपको वहाँ रहना पड़ा था आई थिंक इसका जवाब ये दोनों ज़्यादा दे पाएंगे और बेहतर दे पाएंगे क्योंकि मेरा बहुत ही कुछ 8-9 दिन का शूट था बट इन दोनों ने बहुत काफ़ी टाइम वहाँ बिहार में स्पेंड किया है तो उनको बट मेरे कैरेक्टर के लिए 8-9-10 दिन आई थिंक काफ़ी था ये कम में भी हो सकता है ये ज़्यादा में भी हो सकता है बट हम सबका शूट इतना स्कैटर्ड था क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हमें लेना पड़ रहा था और उनके परमिशंस के लिए सबके शूट अलग अलग हो रहे थे तो ये कोई सेट नहीं था ये actually... नहीं, आप जब नीरज सर के साथ शूट करते हैं तो आपको सेट की लग्जरी नहीं मिलती और वही उनके साथ काम करने का चार्म भी है क्योंकि वो हर चीज की रियलिटी निकालने की कोशिश करते हैं और हम जहाँ गए थे स्पेशली अविनाश और में हम झारखंड में जहाँ शूट करने गए थे हम डाल्टनगंज और मक्लोस्कीगंज दो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हमने ज्यादातर शूट किए बाकी हजारीबाग हो गया पटना हो गया बट अमूमन तौर पर ऐसे शो को बनाने के लिए आपको 80-100 दिन लग जाते हैं आई थिंक हमने 85 डेज शूट किए थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो हम ऑलमोस्ट 200 लोग थे झारखंड में स्टेशन और 80 Maybe 87 days in total we shot. बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है और ये मैं कहता रहता हूँ लोगों को और बताना चाहता हूँ डाल्टनगंज छोटा सा टाउन है वहाँ 200-250 लोग इस शहर से बम्बई से पहुँचते हैं और उनकी ज़रूरत जो है वो उस वक्त डाल्टनगंज पूरी नहीं कर पा रहा था किस तरह की ज़रूरत मतलब जो भी आप खाते पीते हैं अब जैसे हम डाइट पे हैं मैं कह रहा हूँ मुझे ग्रिल्ड चिकन चाहिए और वहाँ पर ग्रिल्ड चिकन शायद किसी रेस्टोरेंट में अवेलेबल ना हो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको रेस्टोरेंट सॉरी कोई रेस्टोरेंट भी अवेलेबल नहीं था होटल्स थे नहीं बट टू सी द टाउन स्केल अप विद इन 2-3 मंथ्स ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी की जा सके वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखने के लिए आई ट्रूली फील कि शूटिंग क्रूज कहीं जाता है 2-3 महीने उस एरिया का GDP ग्रो करवा के आता है दैट्स माई ट्रू बिलीफ एंड दिस इज वॉट आई थिंक ये क्रेडिट फिल्म शूट्स को नहीं दी जाती है बट बहुत हद तक कहीं ना कहीं फिल्म क्रूज फिल्म शूट्स होती हैं जहाँ पे भी यू विल सी द GDP ऑफ दैट प्लेस एटलीस्ट उस क्वार्टर में तो बढ़ ही जाता होगा नहीं अच्छा नजरिया और ये अच्छा तरीका है देखने के लिए कि मतलब एडवांटेजेस जब आपको 1-5 गिराने हैं तो भाई मैं पूरी लिस्ट बना सकता हूँ मतलब अच्छा करण ये एक सीन उसका है जो शायद एक नॉन बिहारी के लिए बड़ा शॉकिंग हो सकता है जिसमें अमित लोढ़ा की जाति क्या है सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठाकुरों को बचा क्यों रहा है अच्छा राजस्थान से आया है इसीलिए तो ये चीज़ आपके लिए क्या शॉकिंग थी मैं उन दोनों से नहीं पूछूंगी क्योंकि उनके रूट्स वहाँ पर हैं पर आपके लिए क्या ये क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप लोढ़ा देख रहे हैं वैसा टाइटल वहाँ पर होता ही नहीं है ये कौन जात है वो पूछ रहा है जब आपसे वो आपके लिए असल जिंदगी में बहुत फेस करता हूँ क्योंकि मेरा सरनेम है टैकर हाँ? तो सबसे पहले पूछते हैं इसका मतलब क्या है क्या मतलब आप हो कहाँ से आप पंजाबी हो आप गुजराती हो मैं अपने प्रदेश के लोगों के लिए पूछ रही हूं कि आप ये क्या होता है तो ये जो आपने उस सीन में फ्रस्ट्रेशन देखी है मेरी वो मेरी असली जिंदगी की है जैसे ऐश्वर्या सुष्मिता मैं जानता हूँ जिंदगी भर हर पोडियम पे आके ये सवाल का जवाब देती ही रहेंगी उनका नाम ऐश्वर्या सुष्मिता क्यों है पर करण ये बहुत सामान्य है बिहार में दो नाम हमेशा मेरी अपनी जो भतीजी है उसका नाम ऋषिका आराध्या अच्छा। अब उसका जो नाम पसंद हो आप उससे पुकारिए बिहार में बहुत ये दो नाम का ट्रेंड है ट्रेंड है वहां पर वी आर वेरी उसके पीछे कारण भी है तो सोशल पॉलिटिकल रीजंस आर बट टू आंसर योर क्वेश्चन डेफिनेटली यू नो आप जब बंबई शहर में रहते हैं क्योंकि इतना हाईली कॉस्मोपॉलिटन शहर है तो आई फील मुंबई स्पेसिफिकली डज नॉट गेट डिफाइंड बाय कास्ट रिलीजन क्रीड इन जनरल बिकॉज
हर जगह से हिंदुस्तान के लोग काम करने वहाँ पर आते हैं, पर मेरे लिए भी काफ़ी हैरानी की बात थी कि एक इंसान के लिए कितना मायने रखता है कास्ट सिस्टम को समझना, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सर्विसेज. So that was quite fascinating for me, because that was my question to Bhav also, when I read for the first time, to have him explain the political scenario of what happens. Ek political scenario ko samjhane ke liye ki Bihar mein kya hota hai aur kitna bada impact. Aur Vinay Pathak ki badi achhi line hai us waqt ki jitni jaldi aap ye caste system samajh jayenge utni jaldi aap Bihar ko samajh jayenge. To ye sari, jaisa ki maine kaha ki script ek apne aap mein bible hoti hai, sare jawab wahin par hote hain, kuch cheeze padh kar samajh aati hain, kuch aapke director samjha dete hain. अविनाश, आप कुछ कह रहे थे इस बात पर? मैं आपने जो कहा कि दो नाम होते हैं बिहार में, और वो आई मीन द सोशल पॉलिटिकल सिचुएशंस इन बिहार हैज बीन लाइक दैट. मैं उसमें सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, मैं बिहार से हूँ, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं बिहार से एक्टिंग करने के लिए, और हमारी इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री मानी जाती है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत कम देखने मिलते हैं बिहार में जो इतने ग्लैमरस हों. बिहार इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ग्लैमर. तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो एग्जिस्ट करता है बिहारियों का, वो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा संकोच में रहते हैं. स्लाइटली देर इज़ अ परसेप्शन, और उसके लिए एक एम्बैरसमेंट रहता है जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. उसके पीछे अगेन लाइक आई सेड द सोशल पॉलिटिकल रीजंस आर देयर, बट थैंकफुली आई फील आई विश कि हम जैसे और बिहारी. नहीं नहीं, एक चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, लड़कियाँ बिहार की हमेशा ग्लैमरस ही रही हैं. पर ये मैंने वाकई बात नोटिस की है, ये मैं एक्चुअली करेक्ट नहीं करना चाहता था. मैं काफी सारी बैठी है वहां पर, मैं यहां पर बैठी हूं, आप मेरे सामने बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं, पर यूपी बिहार की लड़कियां वाकई बड़ी सुंदर हैं, ये फैक्ट है. हमारी खुद ये हमारी एक दोस्त और है अनीता, वो भी यूपी से है, वो भी बिहार से है, वो भी बॉम्बे वाले कह रहे हैं, तो बस, और वो भी बहुत ही खूबसूरत है. तो यार ये ऐसा नहीं है भाई, मैंने खूबसूरती की बात नहीं की, मैंने कहा परसेप्शन निश्चित करना चाहिए अपने शब्दों में. बिल्कुल, मैं घर पहुंचूंगा तो आज मेरी माँ ही मेरी धुलाई करेंगी. हाँ, सोचिए तुझे मैं सुंदर नहीं लगती. एक टीम के साथ इतने समय बिताना, लोग देखने वाला जो है वो आप लोगों को एक साथ ही इमेजिन करता है, लेकिन यहाँ से फिर अलग अलग निकल जाना, दोस्ती पक्की हो जाती है एक सीरीज शूट करते हुए? दोस्ती से ज्यादा मुझे लगता है वो परिवार ज्यादा बन जाता है. तो मतलब अविनाश तुम्हारे भाई जैसा हो गया. फिर ठीक है. नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये. बहुत ही गलत था ये, क्यों परिवार कहने का, मतलब मेटाफोरिकली नॉट लिटरली. कारण बट यू नो फनी बात ये है कि हमने 85 डेज ये शो शूट किया है, पर सबसे ज्यादा वक्त मैंने अविनाश के साथ प्रमोशन में गुजारा है, क्योंकि हमने शूट पर सिर्फ 4 दिन हम शूट किए साथ में. अच्छा. और जिसमें 2 दिन हमने पूरा शूट किया और बाकी 2 दिन थे, मतलब कुछ घंटे शूट किए, पर प्रमोशन हमने आई थिंक 6-7-8 दिन कर लिया, तो शूटिंग से ज्यादा वक्त तो हमने अभी बताया. तो हमारी दोस्ती एक्चुअली ये प्रमोशन के दौरान हुई है. अविनाश बोल रहा हूँ मैं, ऐश्वर्या को मैं बहुत पहले से जानता हूँ. अच्छा. ये इनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, ये रैंप पे बहुत ही स्टनिंग मॉडल रही है. मैं डरता हूँ इनसे क्योंकि इनके 2 नाम है, तो मैं घबरा जाता हूँ, ये बहुत, मतलब मेरे को लगता है बहुत दिग्गज होंगी. तो नहीं, डेफिनेटली हमारी दोस्ती बड़ी पक्की है, हमको बड़ा मजा आता है साथ में घूमने घामने में, अलग अलग शहरों में जाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, और उम्मीद है कि इसके बाद भी साथ मिलते रहेंगे. और क्या, ये भाई साहब बहुत बिजी हैं, इनको जब फोन करें. ये एक्चुअली आपने इनका जो सवाल पूछा था, ये कल के वाकई उभरते सितारे, इनके बहुत ही कमाल का स्लेट है 2023 का, तो इनका जो चल रहा है उससे लगता नहीं मुझे मेरे हाथ में आएंगे दोस्ती यारी के लिए, ये काम में लगे रहेंगे. तो आप पूरी सीरीज में आपके हाथ लास्ट में जाकर आए हैं. तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे लगता है एक्टर्स की लाइफ ना बड़ी हिप्पियों वाली होती है, कि आप जाते हैं एक जगह, एक 3 महीने का एक परिवार बनता है, और 10 दिन में आप दूसरे सेट पर पहुंचते हैं और आपको दूसरा परिवार बनाना पड़ता है. तो एक जुड़ाव होता है, एक रिश्ते जुड़ते हैं, जो कुछ बन गए लंबे समय तक के लिए बन गए, वरना आप दूसरी जगह जाते हैं, दूसरा परिवार बनाते हैं, फिर तीसरा परिवार बनाते हैं. तो ऐश्वर्या के बहुत सारे भाई हैं बेसिकली, और बनने वाले हैं आगे. मतलब जो कह रहे हैं अविनाश, ये सच है कि हम कुछ सेट पे किसी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं. लाइक आई कनेक्टेड वेरी वेल विद अविनाश, बिकॉज आज के डेट में अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पूछना होता है, तो मैं अविनाश को सीधा फ़ोन करती हूँ. जहाँ की जैसे कि मुझे जब मैं हमने शुरुआत की थी शूटिंग की, तब शायद हमारे बीच बनती भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मुझे बहुत तंग करते थे सेट पे आके.
पर मजाक में, बट मजाक करते थे और बहुत ही पॉजिटिवली था. बट वो बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द सीरीज, आई थिंक वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. कुछ भी मुझे दिक्कतें आती हैं, मैं पूछती हूँ अविनाश मुझे ये इन टर्म्स ऑफ करियर, सो ही हेल्प्स मी लाइक इवन इवन करण. आई थिंक वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एक्सेप्ट, बट इट हैज़ बीन या ग्रेट प्लेजर टू बी विथ सच ब्यूटीफुल पीपल. सबसे बात करके भी बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि ये खाकी के उन हीरोज को समर्पित है जिनको हम कभी उस नज़र से देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जब बारे में बुरी चीज़ें होती हैं तभी उनको अखबारों की सुर्खियों में हम पढ़ते हैं. पर खाकी के भी हीरोज़ हैं और उन्होंने जो काम किया है उसे देखकर सराहना ज़रूरी हो जाता है. अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं पहले मुझे ये बताइए. अक्कर जी, मैं बंबई से ही हूँ. मतलब मेरी पैदाइश दिल्ली की है. हाँ. बट पला बड़ा बंबई में. मतलब बिहार ने छुआ नहीं था आपको किसी? नहीं, अब छू लिया है. हाँ. मतलब मेरे शो में जो हमने शूटिंग किया उसके जाने से पहले तो पूरा बंबई का ही हूँ मैं. क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं बिहार का होने के लिए क्या करूं और इनके कांस्टेबल इनको बताते हैं कि आप मैं की जगह हम बोलिए सबसे पहले. जी, तो हम आज सबसे पहले तो बड़ा खुश हूँ मैं यहाँ पर आकर. मैंने हमेशा ये मंच देखा है कि बहुत ही दिग्गज और इज्जतदार लोगों के लिए होता है, तो आज मुझे अपने लिए बड़ी इज्जत आ रही है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है. सो थैंक यू वेरी मच एजेंडा आज तक. इट्स क्वाइट एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस स्टेज अमंगस्ट ऑल ऑफ यू. एंड या, आई मीन इट वाज अ लॉट ऑफ फन बिहार में शूट करने के लिए. और मैं जैसा कि आपको कह रहा था, शूट भी बिहार में किया. हाँ जी, हमने मतलब झारखंड में शूट किया है. हाँ. पर बड़ा ही मजा आया था शूट करके. बोलघर के भी कुछ सीक्वेंसेस थे मुझे लगता है. जी, थोड़ा पटना में भी हमने शूट किया. तो आधा बिहारी मैं, मेरे को लगता है वाकई बन गया हूँ मैं, तो थोड़ा बिहार मुझ में आ गया है. बाकी ये जो मेरे दोस्त यार हैं ये बाकी अपना थोड़ा रब ऑफ कर देते हैं मुझ पर, क्योंकि आप खुद बोल लीजिए सर आप कहाँ से हैं. मेरी पैदाइश बिहार से. अच्छा, कहाँ पर? मैं मोतिहारी की पैदाइश है मेरी. अच्छा. और मेरा गांव जो है वो गोपालगंज के पास हथुआ फिर तो. जी, तो मैं वहीं से हूँ, लेकिन 7 साल 8 साल की उम्र से मैं बम्बई में हूँ. और सो मैं हमेशा अपने आप को बंबई या बिहारी कहता हूँ. नहीं, पर हेल्प तो करते होंगे आप अपने कोस्टार्स की? ऑफ कोर्स, मतलब हम एक दूसरे के हमेशा मदद के लिए हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी फिल्म या शो एक आदमी की कहानी नहीं होती, ये पूरी टीम की बात होती है. सो इट्स बीन अ फीलिंग लाइक दैट. करेक्ट. लेकिन मुझे एक चीज लगता है, क्या हुआ कि एक पूरा दौर आया था फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल्स में जहाँ पर बिहारी एक्सेंट कहकर उसे ज्यादा एक मजाक में इस्तेमाल किया जाता था, पर इसमें मुझे रियलिटी दिखी है. ऐसा नहीं है, एक जो एक बिहार का व्यक्ति चाहे कहीं भी रह रहा हो वो जिस तरह की हिंदी बोलेगा उस तरह की चीज़, उसमें कोई मजाक का भाव नहीं था और इसीलिए आप लोगों का कैरेक्टर रियल भी लगा है. जी बिल्कुल, मुझे लगता है नीरज पांडे सर के साथ काम करके मुझे लगता है एक उनका एक ऑथेंटिक स्टाइल है. व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग ऑल्सो वो एक ऑथेंटिसिटी को बहुत वेटेज देते हैं. और इस पूरे दौरान सीरीज में मुझे लगा है कि लोगों ने हमारी ऑथेंटिसिटी को बहुत अप्रिशिएट किया, बिकॉज दे गॉट टू सी समथिंग रियल एंड नॉट समथिंग विच हैज़ बिन सीन एज अ प्री कंसीव नोशन अबाउट बिहार और बीट अ स्टोरी, बीट अ लैंग्वेज, बीट एनी थिंग. सो आई थिंक दैट ऑथेंटिसिटी हैज़ डन वेरी वेल फॉर अस. स्पेशली इसलिए क्योंकि नीरज सर खुद बिहार से हैं. हाँ, वो खुद ये बहुत फर्क हो जाता है इससे. मुझे लग रहा था कि वो भी आज होंगे तो. और हमारे जो राइटर हैं वो भी बिहार से हैं, उमा शंकर जी. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा हमारी स्क्रिप्ट पर. नहीं, पर कर्ण आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं थी. आपको एक राजस्थानी प्ले करना था जो बिहार में काम कर रहा है. जो लोग बिल्कुल ऑथेंटिक जिन्हें होना था वहाँ का नेटिव, उनके लिए थोड़ा सा उस चीज को एक्सेप्ट करना और अपने किरदार में ढालना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा. आप कहाँ से हैं? जी, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, दरभंगा से. दरभंगा में मेरा जन्म हुआ है. और टैलेंट देख रहे हैं. और मैंने पढ़ाई दिल्ली में. नाम ऐश्वर्या सुष्मिता क्यों रखा गया? अरे जी बिल्कुल, मम्मी को ऐश्वर्या, पापा को सुष्मिता. तो मेरा जन्म 94 में हुआ था. आई वाज बोर्न 94. और वंडरफुल, जिस साल दो ब्यूटी क्वींस हुई दोनों. जी, और उन या दे वर क्राउन्ड इन 94. तो आई थिंक मेरे मॉम डैड बहुत इंस्पायर हो गए थे कि चलो बेटी का नाम दे देते हैं. डिसाइड नहीं कर पाया दोनों, डिसाइड नहीं कर पाए. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन बिहाइंड माय नेम. करण, स्टोरी इंस्पायर कर रही थी आपको जब आप लोग ये सीरीज करने के लिए ऑफर हुआ, आपने आप सिलेक्ट हुए, आपको उम्मीद थी कि ये स्टोरी इस तरीके से बदलेगी, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी? आप बिहार के उन चीज़ों को आपने फॉलो किया था? क्योंकि देखिए, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अखबार पढ़ते हैं, वो जानते हैं चंदन महतो नहीं भाई पिंटू महतो हैं, वो एक्चुअल किरदारों को समझ रहे होंगे.
पर आपके लिए ये स्टोरी के ट्विस्ट एंड टर्न को एक्सेप्ट कर पाना संभव हो पा रहा था कि अच्छा फिर ऐसा हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सरप्राइजेज हैं आपकी इस सीरीज में? नहीं, एक्सेप्ट करना तो डेफिनेटली संभव है. इनफैक्ट वो बहुत बड़ा रीज़न है इस शो को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही खूबसूरती से लिखी है. जब मैंने किताब पढ़ी थी पहली बार, जिस किताब का नाम है बिहार डायरीज, मुझे तब ही बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, बिकॉज जिनकी कहानी हम बता रहे हैं उन्होंने जिस किस्म की ज़िंदगी जी है एज एन IPS ऑफिसर, वो बहुत ही दिक्कत वाली रही है. एंड जो उनके लाइफ के रियल ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं उसी के ऊपर निर्धारित स्क्रिप्ट है हमारी. तो मैं बड़ा खुश था जब ये विजन जिस तरीके से किताब से स्क्रीन प्ले पर आया. एंड ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एक्साइटेड टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज एक तो किसी असली इंसान की कहानी जब आप एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं और आपको जब पता है ये सारे इंसिडेंट्स फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है, देन यू गेट इवन मोर मोटिवेटेड टू काइंड ऑफ प्ले इट एंड टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बिकॉज यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट द मैन एंड एवरीबॉडी अटैच्ड टू हिम विद दैट लाइफ. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किरदार में ढल रहे हैं, एक मतलब बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति जानते होंगे कि एक यंग अमित लोढ़ा जैसे दिखते थे वैसे ही करण बिल्कुल हूबहू उसमें दिख रहे हैं. मुझे वही रेबैन ग्लासेस याद आते हैं, उसी तरीके से उनका डिमीनर, वो सारी चीज़ें. बाद में BSF भी वो डेप्यूटेशन पर गए, वहाँ भारत के वीर नाम की एक चीज़ शुरू की. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसके लिए डोनेट भी किया हो, जो हमारे CAPFs हैं उसमें जो जो इंजर होते हैं हमारे सोल्जर्स, या फिर अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके लिए बहुत पुश उन्होंने किया था. बाद में अक्षय कुमार उसके साथ जुड़े थे. पर एक डार्क कैरेक्टर प्ले करना, ख़ासकर एक सक्सेसफुल सीरीज या फिल्म में, जिंदगी भर एक मतलब, या मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी भर नहीं कहूंगी, बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी, पर एक सबसे बड़ा रिस्क होता है क्योंकि लोग आइडेंटिफाई करते हैं आपको. मैंने भी जब आप तीनों को एंटर करते हुए देखा अभी कमरे में, तो इनको देखकर बड़ा मैं आश्वस्त हुई. फिर लगा अच्छा चंदन महतो, वो चंदन महतो आपकी आपकी पहचान से जुड़ेगा. एक एक्टर को ये डर लगता है? मेरा ऐसा मानना है कि मैं 15-20 साल और काम करूंगा, उससे ज्यादा करें. फिलहाल इतना आप अच्छे एक्टर हैं, इतना सही होगा अगर मैं इतना कर पाऊँ. मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे किरदार मेरे करियर के साथ जुड़ेंगे. एक एप्रिहेंशन हो सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा, कि जब मुझे पहली बार इस किरदार के बारे में सुनने मिला तो मैं थोड़ा घबराया. मैं नहीं जानता था कि इसका किस तरीके से असर पड़ेगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस पार्ट. और साथ साथ ये भी डर था कि क्या मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि इस किरदार को सही तरीके से कर पाऊँ. इसलिए मैं इसका श्रेय एक्चुअली नीरज सर और भव दूलिया को देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक्चुअली बहुत ही भरोसा दिखाया मुझ पर, मेरी काबिलियत को मुझसे बेहतर समझा और मुझे प्रेरित किया इस किरदार को करने के लिए. मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने इससे पहले एक फिल्म की थी लैला मजनू, और मजनू का किरदार मेरे साथ जुड़ा हुआ था. 3-4 साल हो गए और मैं जहाँ जाता था सिर्फ मजनू मजनू मजनू, और ये पिछले 2 हफ्ते से मजनू से चंदनवा का जो सफ़र है वो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत बड़ा अचीवमेंट है पर्सनली. सो मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो तो बहुत सारे और किरदार मेरे साथ ऐसे जुड़े. मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी ये है, शायद एक इनडायरेक्टली मैं कॉम्प्लीमेंट ही आपको देना चाह रही हूँ, कि अगर आप लोगों ने ऐसी एक्टिंग की है कि आपका रियल लाइफ प्रेजेंस मुझे आपकी उस रोल को याद दिला रहा है, तो आई थिंक इट्स क्रेडिटेबल. थैंक यू. एक पूरे यंग एक्टर्स की ऐसी तिकड़ी यहाँ पर बैठी है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से वो विश्वास दिलाया है सबको. मम्मी पापा मेरे घर वाले सारे आप लोग देखिए, श्वेता जी ने मेरे बारे में कहा है, मेरे घर में मेरा मान बढ़ गया. अरे हम तो देखना शुरू किए ना तो रुक ही नहीं पाए, क्या बताएं. हम पूरा शाम में शुरू किया, आई थिंक सुबह में खत्म हो गई सीरीज. लगा कि अरे थोड़ा सा और होता. प्लीज जिन्होंने भी यहाँ नहीं देखा है वो भी नहीं, बाकी देखना चाहिए. एक तो रियल लाइफ है, नंबर वन ये रियल लाइफ है. एक पता है पुलिस ना सबसे बड़ी पंचिंग बैग होती है, जब भी कोई गलती होती है बहुत आसानी से पुलिस पर डाल दिया जाता है, क्रेडिट भले ही कोई और ले जाए. हालांकि इसमें 2 बार बिहार पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पंचिंग बैग होती है. तो किसी ने अगर अच्छा काम किया है, किसी किडनैप बच्चे को छुड़ाया है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि देखनी चाहिए. वो भी हमारे बेल्ट फोर्सेज, हमारे यूनिफॉर्म्ड फोर्स हैं, और जो अच्छी चीज़ है उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए. जो चीज़ मैंने उनसे पूछा वो आपके ऊपर भी लागू होता है. एक कनाइविंग, एक विकेट, मैं वो चीज़ खोलना नहीं चाहती हूँ, वो सस्पेंस जो है कि आगे क्या होता है, पर आपके कैरेक्टर में तो और ज़्यादा उतार चढ़ाव थे.
जी बिल्कुल थे, और मुझे लगता है इससे पहले भी जो मैंने कैरेक्टर किया था, जो प्ले किया था, वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट था. और जैसा कि आपने कहा कि ये रह जाता है, और इस बात का डर नहीं था मुझे कभी कि लोग मुझे इस तरह से देखेंगे, बिकॉज ये एक द रियल लाइफ एंड द रियल लाइफ इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट. और ये एज एन एक्टर हमें ऑनेस्टली अपने आप को पोर्ट्रे करना होता है, तो और मैंने कोशिश की कि अपने आप को पूरी तरह विद ऑल ऑनेस्टी मैं अपना फ़र्ज निभाऊं, और वही मैंने किया. आई होप एंड दैट्स हाउ आई थिंक पीपल हैव लव्ड दिस कैरेक्टर एज मीता देवी. प्लीज़ देखिए और बताइए. नहीं, कोई रिग्रेट नहीं करेगा मुझे लगता है, क्योंकि सोचिए जब समय भी कम है उसमें भी अगर कोई देख ले तो उसके बावजूद मतलब आप उसको रिग्रेट नहीं करेंगे. लेकिन एक OTT मतलब एक जेन्युइन मेरी क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को लेकर कि हम बड़े हुए फिल्में देखते हुए या फिर TV सीरियल्स देखे जो शायद रोज़ शूट होते हैं और रोज़ उनका सीरियल आ जाता है मतलब एक दिन बाद, ये OTT कैसे फंक्शन करता है? अगर आपने ये एक सीरीज़ की है इतने एपिसोड्स की, कितना समय लगा उसके शूट में, क्या डिफरेंट होता है TV से या फिल्म से? I mean, ये दोनों बहुत ही एक्चुअली पोल्स अपार्ट दुनिया है. टेलीविजन में हम दिन में 18 घंटे शूट करते हैं, 20 मिनट की फुटेज निकालते हैं, और जी और OTT में हम 18 घंटे शूट करके 3 मिनट की फुटेज निकालते हैं. तो सबसे पहले क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फर्क हो जाता है. हैविंग सेड दैट, प्लेटफॉर्म ही अलग है. यहाँ पर एक बाउंड स्क्रिप्ट है, आपको एक कहानी की शुरू, एक मध्यम और एक अंत पता है. टेलीविजन थोड़ा ओपन एंडेड होता है, तो यू कैन नेवर एज एन एक्टर रियली गो आउट देयर एंड ग्राफ योर कैरेक्टर. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेज. ऑफकोर्स टेलीविजन का अपना चार्म है कि आप आज एक चीज़ करते हैं, वो कल रात को आप हर एक इंसान के बेडरूम के अंदर हैं. वो हर मतलब एवरीवन इज़ कंज्यूमिंग ऑन अ वेरी लार्ज ऑडियंस. OTT टेक्स इट्स ओन टाइम कि आप पूरी चीज़ बनाते हैं, पैकेज करते हैं, फिर उसको आप डालते हैं. फिर आप जैसे बड़े अच्छे दर्शक होते हैं जो बोलते हैं यार कि थोड़ा सा और होना चाहिए था. तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस. एंड लाइक यू सेड अर्लियर, यू नो आई फील लाइक एक्टर्स वॉन्ट टू रेजोनेट विद देयर कैरेक्टर्स फॉर लाइफ लॉन्ग. तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर अविनाश जिंदगी भर चंदन महतो के नाम से जाना जाए, या यू नो ऐश्वर्या जानी जाए मीता देवी, या मैं जाना जाऊँ अमित लोधा के नाम से, बिकॉज आप यही कोशिश करते कि किसी तरीके से उस कैरेक्टर में थोड़ी सी छाप छोड़ जाएं कि वो आपसे रेजोनेट करने लग जाए. आप हो सकता है असली इंसान को भूल जाएं. तो आई फील दैट्स क्वाइट अ नाइस थिंग. सो इवन TV हैज दैट सेम चार्म. व्हेन आई डिड टेलीविजन, एवरीबडी कॉल्ड मी वेरियन फॉर द लॉन्गेस्ट अंटिल यू डू अनदर कैरेक्टर, एंड इफ यू कैन लाइक आई डिड स्पेशल ऑप्स, पीपल कॉल्ड मी फारूक. सो the parallel is very similar, but the format of viewing is very different, and the quality is what takes a real hit in television, which it doesn't in OTT. तो क्या इसमें मैं इसमें अगर एक चीज और ऐड कर सकूं, जो मुझे लगता है OTT platforms ने हमारे देश में एक अपॉर्चुनिटी लाई है, मुझे ऐसा लगता है. हम लोग, और खासकर क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात करनी चाहिए मुझे. मुझे ऐसा लगता है कि हम हर समय बात करते हैं कि कल्चरल इम्पैक्ट हम लोग दुनिया पर क्या क्रिएट कर पाएँ, और हमारे देश में किस तरह के कल्चरल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, राइट फ्रॉम बी कंज्यूमिंग वेस्टर्न एंटरटेनमेंट टू हैविंग कोरियन एंटरटेनमेंट बीइंग ऑलमोस्ट अ फॉर्डर फॉर यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री राइट नाउ. मेरा ऐसा मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि अब हम 190-200 देशों तक पहुँच सकते हैं, जो आज तक हमारे इंडियन सिनेमा में ये बड़ा मार्केट कभी ओपन नहीं हो पाया था. वी आर इन अ पोजिशन नाउ टू क्रिएट न्यूअर मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड क्रिएट अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. वो मुझे लगता है कि अगले 3-5 साल में OTT प्लेटफॉर्म्स हैव गिवन दिस स्ट्रेंथ एंड पावर टू अस दैट वी कैन क्रिएट अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट आई फोरसी हैपनिंग वेरी वेरी सून. ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत ये भी होती है ना कि अगर जैसे OTT में बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आप बनाते, या इनफैक्ट सीरियल्स भी, कि किसकी किससे शादी हो गई आपको याद ही नहीं रहता है. तो मुझे लगता है कि ये जो इमेज, और बच्चों को आप रोक भी नहीं सकते हैं देखने से, वो मतलब बहुत चीज़ें जो एक्सेप्टेड होती जा रही थी सोसाइटी में, ये कुछ सीरीज़ है जहाँ पर आप एक अचीवमेंट को, एक सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं इस सीरीज के जरिए, आप एक अचीवमेंट को एंड डिस्पाइट द सिस्टम, यानी व्यवस्था के विरुद्ध कोई अगर किसी चीज को संभव करा पा रहा है, तो इसकी बड़ी मैसेजिंग भी है. मतलब ये कोई एक प्रोबेबली, हालांकि मैं किसी सीरीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, या जैसे मान लीजिए गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म रही, उसमें वहां की चीजें जरूर दिखाई गई और बहुत सटीक चित्रण भी रहा, लेकिन जो इसकी पॉजिटिविटी है ये बहुत सटल है आपकी इस सीरीज. Yes, true, Shweta. And even like what Karan just said, I would like to add on to that, that, you know,
it's very interconnected when we say ki jo mass hai, therefore it's very niche to just sit at home and watch OTT platform, right? And all as an audiences, all of us, we want to relate ourselves. When we go to a theater or sit on a platform like OTTs, we want to see ourselves more than to see anybody else there. And as long as there is a relatable factor going on, jitna zyada hum relate kar pate hain apne aap ko audiences se, utna hi zyada wo success hone mein us wo help karta hai. पर ये कैरेक्टर्स के लिए प्रिपेयर करना वैसे ही होता है जैसे बाकी में, क्योंकि आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, आपको पता होना जरूरी था उनके बारे में. नॉट नेसेसरली, आई मीन बिकॉज एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड स्पेसिफिकली, नीरज सर मेरी और जो हमारे डायरेक्टर हैं भवदूलिया, हमारी हमेशा इंटेंशन यही थी कि हम हमारे खुद का कैरेक्टर स्केच बनाएंगे एज फार एज अमित लोधा इज कंसर्न्ड. क्योंकि ये बायोपिक नहीं है, हम इसको बायोपिक की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं. ये एक किताब के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है बिहार डायरीज. तो लकली नीरज सर एंड माय डायरेक्टर बोथ गेव मी द फ्री हैंड के तू अपने हिसाब से. आपने अपने हिसाब से चेंजेस भी किए कैरेक्टर में? नहीं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नीरज सर की राइटिंग में चेंजेस करूं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो इतने बेहतरीन राइटर हैं. हालांकि लिखा उमा जी ने, बट काफ़ी हद तक उनका विजन सर का रहा है. तो नहीं, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बड़ी क्रिस्प स्क्रिप्ट है हमारी, और मेरे लिए मेरे कैरेक्टर को लेके जितने भी जवाब थे वो मेरे स्क्रिप्ट में ही हैं. तो जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया है अपने ही स्क्रिप्ट को बाइबल बनाकर ही किया है. एंड फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जब वो प्ले में आती हैं, जब आप जिस जगह जा रहे हैं शूट करने के लिए, वो बहुत ऐड करता है कैरेक्टर को बनाने के लिए. क्योंकि अमित की जो खुद की कहानी थी वो शेखपुरा से शुरू होती है रियल लाइफ में, जहाँ हम झारखंड में शूट कर रहे थे. इन टर्म्स ऑफ द मिलियू ऑफ द प्लेस वो बहुत ही सिमिलर रही है. तो मेरे लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंगली कथाटिक जर्नी थी, और ये मेरा प्लान भी था कि जब अमित भी गए थे अपनी जर्नी की शुरुआत में तो उनको बड़ी दिक्कतें हुई थी उस शहर में, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, बड़ा शहर है, बड़े शहर से एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाना. तो क्योंकि मैं भी मुंबई से हूँ और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम शूट करें तो बॉम्बे मुंबई से थोड़ा छोटा है. थोड़ा मतलब आई एम बीइंग ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट मतलब डेफिनेटली बहुत अलग दुनिया है वहाँ पर. तो वो एक कथाटिक जर्नी थी मेरे लिए एज एन एक्टर. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की, प्लस जब आपके पास आपके बाकी किरदार आते हैं वो बड़ा ऐड करते हैं. तो प्रेपरेशन एक कैरेक्टर के लिए ऐसे बनती है. मैं अमित को डेफिनेटली मिला था पर शूट पर चार दिन जाने से पहले, और मेरी इंटेंशन यही थी क्योंकि ये जितने इंसिडेंट, हम तो एक्टर हैं, हम एक्टर, हमको पता है कि एक्शन होने वाला है, कहाँ से कौन गोली मारेगा, कौन यू नो घूसे मारेगा, तो आप बचा लेते हो. बट जिस इंसान पर एक्चुअल में बीतती है, यू नो रात को अपने परिवार को छोड़कर जाना, भागना एक क्रिमिनल के पीछे जंगलों में, छोटे गांवों में, जो उन्होंने किया है वो वाकई मेरे हिसाब से बहुत ही काबिले तारीफ है. एंड टू अंडरस्टैंड कि उनका माइंड क्या था कि अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर जाना, कि आपकी फैमिली पर साइमल्टेनियसली अटैक हो सकता है व्हाइल यू आर ट्राइंग टू फाइंड दिस ड्रेडेड क्रिमिनल. सो दैट वाज माय इंटेंशन, जस्ट टू गेट हिज माइंड मोर देन you don't necessarily his body language or the way that he talks or the way that he sits. Avinash, wo ek pagalpan dikha hai, ek jo ek normal ek gareeb aadmi hai jo kis tarike se wo ladai ladna chahta hai, aur aakhir mein wo kuch had tak apne aap ko explain bhi karne ki koshish karta hai, bhale hi wo ek 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 pagalpan mein ek monologue jaisa hai uska. To उसका भी मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कैरेक्टराइजेशन भी बड़ा मतलब खांचों में बैठा कर उसे अच्छे से किया गया है. इंटेंशन ये था कि ये दोनों किरदारों की, अमित लोधा और चंदन महतो, कि जेनेसिस को हम एक्सप्लोर करें, हाउ दे बिकम व्हाट दे बिकेम, व्हिच इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू इन द शो. एक एक आदमी, और अक्सर हम ये देखते भी, नॉट टू जस्टिफाई एनी क्रिमिनल्स, बट कहीं ना कहीं सोशल इम्प्लिकेशंस होते हैं फॉर समवन टू टेक अप द गन इन देयर हैंड्स, एंड वन वी कैन नॉट टेक अवे दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम आवरसेल्व्स एज अ सोसाइटी. Having said that, we bring that, we show that कि कैसे ये किरदार ऐसे बनते हैं, and by the end, to justify it, he explains of what has led him to the point that he reached. अगर कुछ लोग empathize कर पाएँ उस चीज़ से, that would be a victory. But at the same time, I keep saying this, that the choices that one makes cannot justify the exploitation that has happened with you. And पर सिर्फ एक नज़रिया रखने का की कोशिश दिखी थी वहाँ पे, जस्टिफिकेशन की कोशिश, जस्टिफिकेशन की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है, आई एम सर्टन अबाउट इट. बट हाँ, कि क्या हो सकता है और क्या बनाता है एक इंसान को
और समाज उसमें कितना समाज का क्या योगदान हो सकता है एक एक प्राइम मिनिस्टर बनाने में और एक गैंगस्टर बनाने में, वो रूप भी एक देखने का मौका मिलता है हमें। तो ये कितने दिनों में ये रैपअप हो जाता है जैसे इतने एपिसोड्स का, कितना कितना समय लगा था आप लोगों को, कितने दिन आपको वहाँ रहना पड़ा था? आई थिंक इसका जवाब ये दोनों ज़्यादा दे पाएंगे और बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत ही कुछ 8-9 दिन का शूट था, बट इन दोनों ने बहुत काफ़ी टाइम वहाँ बिहार में स्पेंड किया है, तो उनको बट मेरे कैरेक्टर के लिए 8-9-10 दिन आई थिंक काफ़ी था। ये कम में भी हो सकता है, ये ज़्यादा में भी हो सकता है, बट हम सबका शूट इतना स्कैटर्ड था क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हमें लेना पड़ रहा था और उनके परमिशंस के लिए सबके शूट अलग अलग हो रहे थे, तो ये कोई सेट नहीं था ये actually... नहीं, आप जब नीरज सर के साथ शूट करते हैं तो आपको सेट की लग्जरी नहीं मिलती और वही उनके साथ काम करने का चार्म भी है क्योंकि वो हर चीज की रियलिटी निकालने की कोशिश करते हैं और हम जहाँ गए थे स्पेशली अविनाश और मैं, हम झारखंड में जहाँ शूट करने गए थे, हम डाल्टनगंज और मक्लोस्कीगंज दो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर हमने ज्यादातर शूट किए, बाकी हजारीबाग हो गया, पटना हो गया। बट अमूमन तौर पर ऐसे शो को बनाने के लिए आपको 80-100 दिन लग जाते हैं। आई थिंक हमने 85 डेज शूट किए थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो हम ऑलमोस्ट 200 लोग थे झारखंड में स्टेशन और 87 डेज इन टोटल वी शॉट। बड़ी ये खूबसूरत चीज़ है और ये मैं कहता रहता हूँ, लोगों को और बताना चाहता हूँ, डाल्टनगंज छोटा सा टाउन है, वहाँ 200-250 लोग इस शहर से बम्बई से पहुँचते हैं और उनकी ज़रूरत जो है वो उस वक्त डाल्टनगंज पूरी नहीं कर पा रहा था। किस तरह की ज़रूरत? मतलब जो भी आप खाते पीते हैं, अब जैसे हम डाइट पे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे ग्रिल्ड चिकन चाहिए और वहाँ पे ग्रिल्ड चिकन शायद किसी रेस्टोरेंट में अवेलेबल ना हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, रेस्टोरेंट सॉरी कोई रेस्टोरेंट भी अवेलेबल नहीं था, होटल्स थे नहीं, बट टू सी द टाउन स्केल अप विद इन 2-3 मंथ्स ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी की जा सके, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखने के लिए। आई ट्रूली फील कि शूटिंग क्रूज कहीं जाता है 2-3 महीने उस एरिया का GDP ग्रो करवा के आता है, दैट्स माई ट्रू बिलीफ एंड दिस इज वॉट आई थिंक। ये क्रेडिट फिल्म शूट्स को नहीं दी जाती है बट बहुत हद तक कहीं ना कहीं फिल्म क्रूज फिल्म शूट्स होती हैं जहाँ पे भी यू विल सी द GDP ऑफ दैट प्लेस एटलीस्ट उस क्वार्टर में तो बढ़ ही जाता होगा। नहीं, अच्छा नजरिया और ये अच्छा तरीका है देखने के लिए कि मतलब एडवांटेजेस जब आपको 1-2-3-4-5 गिराने हैं तो भाई मैं पूरी लिस्ट बना सकता हूँ मतलब अच्छा करण, ये एक सीन उसका है जो शायद एक नॉन बिहारी के लिए बड़ा शॉकिंग हो सकता है, जिसमें अमित लोढ़ा की जाति क्या है सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठाकुरों को बचा क्यों रहा है, अच्छा राजस्थान से आया है इसीलिए, तो ये चीज़ आपके लिए क्या शॉकिंग थी? मैं उन दोनों से नहीं पूछूंगी क्योंकि उनके रूट्स वहाँ पर हैं, पर आपके लिए क्या ये क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप लोढ़ा देख रहे हैं वैसा टाइटल वहाँ पर होता ही नहीं है, ये कौन जात है वो पूछ रहा है जब आपसे, वो आपके लिए असल जिंदगी में बहुत फेस करता हूँ क्योंकि मेरा सरनेम है टैकर। हाँ, तो सबसे पहले पूछते हैं इसका मतलब क्या है, क्या मतलब आप हो कहाँ से, आप पंजाबी हो, आप गुजराती हो, मैं अपने प्रदेश के लोगों के लिए पूछ रही हूं कि आप ये क्या होता है। तो ये जो आपने उस सीन में फ्रस्ट्रेशन देखी है मेरी है, वो मेरी असली जिंदगी की है जैसे ऐश्वर्या सुष्मिता मैं जानता हूँ जिंदगी भर हर पोडियम पे आके ये सवाल का जवाब देती ही रहेंगी, उनका नाम ऐश्वर्या सुष्मिता क्यों है? पर करण ये बहुत सामान्य है बिहार में दो नाम हमेशा। हाँ हाँ हाँ, मेरी अपनी जो भतीजी है उसका नाम ऋषिका आराध्या। अच्छा। अब उसका जो नाम पसंद हो आप उससे पुकारिए, बिहार में बहुत ये दो नाम का ट्रेंड है, ट्रेंड है वहां पर, वी आर वेरी, उसके पीछे कारण भी है तो सोशल पॉलिटिकल रीजंस सर, बट टू आंसर योर क्वेश्चन डेफिनेटली यू नो आप जब बंबई शहर में रहते हैं क्योंकि इतना हाईली कॉस्मोपॉलिटन शहर है तो आई फील मुंबई स्पेसिफिकली डज नॉट गेट डिफाइंड बाय कास्ट रिलीजन क्रीड इन जनरल बिकॉज हर जगह से हिंदुस्तान के लोग काम करने वहां पर आते हैं, पर मेरे लिए भी काफ़ी हैरानी की बात थी कि एक इंसान के लिए कितना मायने रखता है कास्ट सिस्टम को समझना स्पेशली इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, सो दैट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी बिकॉज दैट वाज माय क्वेश्चन टू भव आल्सो व्हेन आई रेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव हिम एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ व्हाट हैपेंस, एक पॉलिटिकल सिनेरियो को समझाने के लिए कि बिहार में क्या होता है और कितना बड़ा इम्पैक्ट, और विनय पाठक की बड़ी अच्छी लाइन है उस वक्त कि जितनी जल्दी आप ये कास्ट सिस्टम समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप बिहार को समझ जाएंगे। तो ये सारी जैसा कि मैंने कहा कि स्क्रिप्ट एक अपने आप में बाइबल होती है, सारे जवाब वहीं पर होते हैं, कुछ चीज़ें पढ़कर समझ आती हैं, कुछ आपके डायरेक्टर समझा देते हैं। अविनाश आप कुछ कह रहे थे इस बात पर? मैं आपने जो कहा कि दो नाम होते हैं बिहार में और वो आई मीन द सोशल पॉलिटिकल सिचुएशंस इन बिहार हैज बीन लाइक दैट,
मैं उसमें सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, मैं बिहार से हूँ, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं बिहार से एक्टिंग करने के लिए, और हमारी इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री मानी जाती है. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बहुत कम देखने मिलते हैं बिहार में जो इतने ग्लैमरस हों. बिहार इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ग्लैमर. तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो एग्जिस्ट करता है बिहारियों का, वो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा संकोच में रहते हैं. स्लाइटली देर इज़ अ परसेप्शन, और उसके लिए एक एम्बेरसमेंट रहता है जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. उसके पीछे अगेन लाइक आई सेड द सोशल पॉलिटिकल रीजंस आर देयर, बट थैंकफुली आई फील आई विश कि हम जैसे और बिहारी. नहीं नहीं, एक चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, लड़कियाँ बिहार की हमेशा ग्लैमरस ही रही हैं. पर ये मैंने वाकई बात नोटिस की है, ये मैं एक्चुअली करेक्ट नहीं करना चाहता था. मैं काफी सारी बैठी वहां पर, मैं यहां पर बैठी हूं, आप मेरे सामने बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं, बट यूपी बिहार की लड़कियां वाकई बड़ी सुंदर हैं, ये फैक्ट है. हमारी खुद एक दोस्त और हैं अनीता, वो भी यूपी से हैं, वो भी बिहार से हैं, वो भी बॉम्बे वाले कह रहे हैं, तो बस, और वो भी बहुत ही खूबसूरत है. तो यार ये ऐसा नहीं है भाई, मैंने खूबसूरती की बात नहीं की, मैंने कहा परसेप्शन निश्चित करना चाहिए अपने. मैं बिल्कुल, मैं घर पहुंचूंगा तो आज मेरी माँ ही मेरी धुलाई करेंगी. हाँ, सोचिए. तुझे मैं सुंदर नहीं लगती. एक टीम के साथ इतने समय बिताना, लोग देखने वाला जो है वो आप लोगों को एक साथ ही इमेजिन करता है, लेकिन यहाँ से फिर अलग अलग निकल जाना, दोस्ती पक्की हो जाती है एक सीरीज शूट करते हुए? दोस्ती से ज्यादा मुझे लगता है वो परिवार ज्यादा बन जाता है. हाँ. तो मतलब अविनाश तुम्हारे भाई जैसा हो गया फिर? ठीक है, फिर ठीक है. नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये. बहुत ही गलत था ये, क्यों परिवार कहने का, मतलब मेटाफोरिकली नॉट लिटरली कारण. कम ऑन, बट यू नो फनी बात ये है कि हमने 85 डेज ये शो शूट किया है, पर सबसे ज्यादा वक्त मैंने अविनाश के साथ प्रमोशन में गुजारा है, क्योंकि हमने शूट पर सिर्फ 4 दिन हम शूट किए साथ में. अच्छा. और जिसमें 2 दिन हमने पूरा शूट किया और बाकी 2 दिन थे, मतलब कुछ घंटे शूट किया है, पर प्रमोशन हमने आई थिंक 6-7-8 दिन कर लिया, तो शूटिंग से ज्यादा वक्त तो हमने अभी बताया. तो हमारी दोस्ती एक्चुअली ये प्रमोशन के दौरान हुई है. अविनाश बोल रहा हूँ मैं, ऐश्वर्या को मैं बहुत पहले से जानता हूँ. हाँ, ये अच्छा. इनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, ये हाँ. रैंप पे बहुत ही स्टनिंग मॉडल रही है. मैं डरता हूँ इनसे, क्योंकि इनके 2 नाम है तो मैं घबरा जाता हूँ, ये बहुत, मतलब मेरे को लगता है बहुत दिग्गज होंगी. तो नहीं, डेफिनेटली हमारी दोस्ती बड़ी पक्की है, हमको बड़ा मजा आता है साथ में घूमने घामने में, अलग अलग शहरों में जाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, और उम्मीद है कि इसके बाद भी साथ मिलते रहेंगे. और क्या, ये भाई साहब बहुत बिजी हैं, इनको जब फोन करें. ये एक्चुअली आपने इसका जो सवाल पूछा था, ये कल के वाकई उभरते सितारे, इनके बहुत ही कमाल का स्लेट है 2023 का, तो इनका जो चल रहा है उससे लगता नहीं मुझे मेरे हाथ में आएंगे दोस्ती यारी के लिए, ये काम में लगे रहेंगे. तो आप पूरी सीरीज में आपके हाथ लास्ट में जाकर आए हैं. तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मुझे लगता है एक्टर्स की लाइफ ना बड़ी हिप्पियों वाली होती है, कि आप जाते हैं एक जगह, एक 3 महीने का एक परिवार बनता है, और 10 दिन में आप दूसरे सेट पर पहुंचते हैं और आपको दूसरा परिवार बनाना पड़ता है. तो एक जुड़ाव होता है, एक रिश्ते जुड़ते हैं जो कुछ बन गए, लंबे समय तक के लिए बन गए, वरना आप दूसरी जगह जाते हैं, दूसरा परिवार बनाते हैं, फिर तीसरा परिवार बनाते हैं. तो ऐश्वर्या के बहुत सारे भाई हैं बेसिकली, और बनने वाले हैं आगे. मतलब जो कह रहे अविनाश, ये सच है कि हम कुछ सेट पे किसी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं. लाइक आई कनेक्टेड वेरी वेल विद अविनाश, बिकॉज आज के डेट में अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पूछना होता है, तो मैं अविनाश को सीधा फ़ोन करती हूँ. जहाँ की जैसे कि मुझे जब मैं हमने शुरुआत की थी शूटिंग की, तब शायद हमारे बीच बनती भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मुझे बहुत तंग करते थे सेट पे आके, पर मजाक में, बट मजाक करते थे और बहुत ही पॉजिटिवली था. बट वो बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द सीरीज, आई थिंक वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. कुछ भी मुझे दिक्कतें आती हैं, मैं पूछती हूँ अविनाश मुझे ये इन टर्म्स ऑफ करियर, सो ही हेल्प्स मी लाइक इवन इवन करण, आई थिंक वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई एक्सेप्ट, बट इट हैज़ बीन या ग्रेट प्लेजर टू बी विद सच ब्यूटीफुल पीपल. सबसे बात करके भी बहुत मजा आया, और मुझे लगता है कि ये खाकी के उन हीरोज को समर्पित है जिनको हम कभी उस नज़र से देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जब बारे में बुरी चीज़ें होती हैं तभी उनको अखबारों की सुर्खियों में हम पढ़ते हैं, पर खाकी के भी हीरोज़ हैं, और उन्होंने जो काम किया है उसे